महोबा के समंद नगर में अंधविश्वास के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि कई दिनों से बीमार मासूम को तालाब के तटबंध पर तांत्रिक के पास ले जाते वक्त नाव पलट गई। नाव पलटने से नाव चालक सहित 8 यात्री पानी में डूब गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के होश उड़ गए हैं और आनंद फानन में मौके पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 7 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 1 साल के मासूम की पानी में डूबकर मौत हो गई है। कोतवाली महोबा क्षेत्र के अंतर्गत कल्याण सागर में आज लगभग 9 बजे के आसपास सूचना मिली है कि एक छोटी नाव पे एक परिवार ही उस पर अपनी कहीं जा रहा था, उस दौरान नाव पलटने के कारण एक बच्चे की उसमें दुर्घटना में डेथ हुई है। अन्य लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई बात नहीं है। बच्चे के शव को भी निकाल लिया गया है और उसके बाद पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं। वहीं हादसे से आक्रोशित परिजनों ने नाव चालक की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी और फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाव चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिया की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।